बोर्ड के खिलाफ हुण श्रोमणी अकाली दल ने तर किया है। श्रोमणी अकाली दल ने विद्यार्थियों नूं प्रीख्या फीस मोड़न की मंग चुकी है। उन्होंने कहा कि 94 करोड़ की प्रीख्या फीस राशि वापस सिक्ख्या बोर्ड मोड़े। जो दस दिए कि यह जिहड़ी मंग की गई है श्रोमणी अकाली दल वालों प्रीख्या फीस की राशि नूं लैके सिक्ख्या बोर्ड के खिलाफ श्रोमणी अकाली दल हुण नितर के आया है। श्रोमणी अकाली दल ने विद्यार्थियों को प्रीख्या फीस मोड़न की मांग चुकी है। 94 करोड़ की प्रीख्या फीस राशि वापस सिक्ख्या बोर्ड मोड़े, यह अकाली दल ने मांग की है। 2020-2021 दी प्रीख्यावां कोरोना संकट करके ना होने के बावजूद 1100 रुपए जी फीस विद्यार्थियों को तो वसूली गई। सो अकाली दल ने कहा कि नतीजा कॉपी ले भी 800 रुपए की मांग उन्होंने नाजायज दसिया। डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान इस पूरे मामले में दखल देने लिए कहा। उन्होंने कहा कि जो अपना घर ठीक नहीं तो निजी स्कूलों किवें आम आदमी पार्टी सुधारेगी। सो निशाने ते भी रहे आम आदमी पार्टी, नाल ही उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं इस मामले दे विच दखल देने की मांग की है। तो श्रोमणी अकाली दल ने इस मसले नूं चुकिया, प्रीख्या फीस की राशि नूं लैके सिक्ख्या बोर्ड के खिलाफ श्रोमणी अकाली दल ने आवाज चुकी है। श्रोमणी अकाली दल ने विद्यार्थियों नूं प्रीख्या फीस वापस मोड़ी जाए यह मांग चुकी है। चंडीगढ़